सभी दर्शक लोगों से यही निवेदन है कि बस जो प्यार आशीर्वाद दिए हैं वो देते रहें, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा बनाए, और जो अच्छा रहता है उसी को लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, वही बड़ा होता है। गाने तो रोज बनते हैं हमारे भी, सभी लोगों के, कोई कोई गाना बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं से जो एक गाना अगर नहीं चलता है तो उससे हमको सीख भी मिलता है कि नहीं हम कुछ और बेहतर कर सकते थे, हो सकता है इसमें कुछ कमी रह गई हो तभी ये नहीं चला गया। तो काम करना है निरंतर और कुछ ना कुछ अच्छा लाना है, सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे। भैया आपका एक कमरिया शब्द जिसमें आता है वो गाना हिट होता है, चाहे का कह चाहो, कमरी ककरी वेल कमरिया, चाहे कमरिया नंबर होने, अभी न कमर नंबर वन जी, कहीं ना कहीं से लोगों का प्यार मिलता है। हम लोग बनाते हैं, इसके पहले हमने ककरी वाला ककरी भाई कमरिया लपक के बनाए थे, हम लोग बहुत प्यार मिला था। अभी हिट चल रहा है बहुत बड़ा गाना, कमरिया पिया, कमरिया पिया भाई बार लपक के ककरिया पिया, जो कि आशीष भैया ने उस गाने को बनाया, आशीष वर्मा जी ने, और बहुत दिल से बनाया, और लगभग हमको लगता है कि 60 मिलियन के करीब वो गाना भी हो गया, और रील्स पे तो जब से आया है तब से ट्रेंडिंग में है, लगभग हमको लगता है कि 1,70,000 वीडियो बन चुके हैं उसके एक आईडी पे। तो वो गाना बहुत बड़ा है, और वो गाना इधर भी हम देखें कि बहुत, मतलब हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ है इस साल में, और आशीष भैया को दिल से धन्यवाद, हमारी पूरी टीम को दिल से धन्यवाद कि ऐसा गाना आता है और बनता है। हाँ, कहीं ना कहीं से कमरिया शब्द हमारे लिए सूट करता है, और जितने भी गाने कमरिया के ऊपर आए हैं तो सभी गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, वो भी 80 मिलियन के करीब है, तो आशीर्वाद दे रहे हैं लोग, मना रहे हैं। इन दिनों एक और गाना आपका वायरल हो रहा है, कमर एक नंबर। हाँ, अभी वो कल परसों वो गाना आया है लगभग, वो भी नव ऑडियो से आया हुआ है, और वो गाना भी हमको लगता है कि 16-17 लाख हो गया है, क्योंकि इस टाइम जो गाने चल रहे हैं तो यूट्यूब का कुछ स्थिति सही नहीं चल रहा है भोजपुरी वाला, और लेकिन अभी इधर ठीक हुआ है, और गाना हमको लगता है कि 15-16 लाख हो गया है, और उसको भी लोग पसंद कर रहे हैं। तो देखिए उनके ऊपर है कि कितना पसंद करते हैं, जब वो पसंद कर लेंगे तो समझ लीजिए मेहनत सफल होगी। मीडिया की गलियारों में एक और आपको पदवी मिल गया देसी स्टार से, सिंघम अवतार में, जो देसी सिंघम अवतार में आप नजर आए, ट्रीजर काफी कमाल का, बताना चाहेंगे उसके बारे में कुछ? वो सब आप लोग और दर्शक लोगों का है, हम बस मेहनत करना जानते हैं, काम दिल से करते हैं, और आपकी नजर में हम समझ सकते हैं, समझ सुन रहे हैं, बाकी लोगों का प्यार है, कुछ किस नाम से बुलाते हैं, क्या करते हैं, उनका प्यार। पहले यूट्यूब किंग बने, अब फाइटर किंग लेके आ रहे हैं। नहीं, फाइटर किंग बहुत जल्द आएगी आप लोगों के बीच में, और उसमें बहुत मेहनत हुई है, बहुत अच्छे लेवल से फिल्म बनी है, और टीजर आप लोगों ने देखा होगा खुद ही, तो आपको लगा होगा कि नहीं ये फिल्म बनी, जल्द आप लोगों के बीच में होगी। इसी बीच आपने भगवान हाजिर हो भी कर दिए, क्या कहना चाहेंगे? भगवान हाजिर हो लॉकडाउन जब चल रहा था उसी टाइम हम लोगों ने किया था जौनपुर में, सचिन यादव उसके डायरेक्टर थे, श्रीकांत झा जी उसके प्रोड्यूसर थे। अभी हमने उस फिल्म की डबिंग पूरी की है, जल्द हम गए थे अभी मुंबई हाल ही में, रक्षा कवच का मोड़ था, तो उसी नाइट में हमने उसका डबिंग भी कर दिया, तो फिल्म पूरी हो गई, और हमको लगता है कि जल्द उसका ट्रेलर भी आ जाएगा, फिल्म भी जल्दी लॉन्च करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं भी हमारी सचिन भाई को, और हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त एक फिल्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है नमस्कार यादव, वेट करिए और लेके आ रहे हैं बहुत जल्द। और बाकी कौन कौन फिल्मों की शूटिंग करने वाले हैं या आने वाली फिल्मों की बात करें? अभी 3-4 फिल्में और हैं जिसका नाम हम बता देंगे आपको, और इसके पहले अभी कुछ फाइटर किंग का काम बचा हुआ है 3-4 दिन का, वो हम लोग करेंगे लखनऊ में, उसके बाद फिर अगला शूटिंग। फाइटर किंग जहाँ जिक्र आता है उसमें विलेन में जो है जो सयाजी शिंदे मराठी बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्री में हर जगह नजर आते हैं, वो उनके साथ आप हीरो और विलेन वाला दो दो हाथ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े स्टार? वो बहुत बड़े कलाकार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, हम तो बहुत डरे हुए थे कि नहीं उनके सामने हम काम कैसे करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और वैसे कलाकार होने चाहिए क्योंकि उनके साथ काम करके तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और इंसान बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार दिए, और उन्होंने उनका हम लोगों ने 7 दिन मांगा था लेकिन उन्होंने 8 दिन दिया, और 1 दिन का काम उनका भी बचा है, तो बोले एनी टाइम जब बोलोगे तब करेंगे, और कहीं ना कहीं से उनका भी सपोर्ट मिला, और फर्स्ट टाइम वो भोजपुरी में आए तो
हम लोगों के लिए सरप्राइज था।